पवन सिंह और ज्योति सिंह, ये दो नाम आजकल YouTube के हर चैनल की सुर्खियों में सबसे ऊपर नजर आते हैं। जहां कहीं देखो सिर्फ इन्हीं के चर्चे। अब चर्चे होने की वजह इनके किए खुलासे जो है, जो कि ये दोनों आए दिन एक दूसरे के बारे में करते हुए नजर आते हैं। हाल ही में एक बार फिर ज्योति सिंह ने पवन सिंह से जुड़ी एक ऐसी बात बताई है जो कि उनकी शादीशुदा जिंदगी की हकीकत अपने आप में बयां कर रही है। उनके मुताबिक वो पवन सिंह की अच्छी पत्नी बनने की हर कोशिश करती थी, उनके एक इशारे पर वो सभी काम करती थी जो एक पत्नी को करने चाहिए। इसी सब का जिक्र करते हुए ज्योति सिंह ने क्या कहा, आप भी सुनिए। उनके शेड्यूल इतना टाइट होता था कि मैं इंतजार करती रह जाती थी। वो देर तक शूटिंग किया करते थे, वो लेट नाइट आते थे और चाहे वो कितने ही बजे घर आए, मैं उतने ही बजे उठकर उन्हें खाना वगैरह सब गर्म करके दिया करती थी। मैंने एक पत्नी के सभी फर्ज निभाए हैं। लगभग 3 साल तक हमने जैसे तैसे चलाया। कभी हमारी लड़ाई हो जाती थी तो मुझे घर भेज दिया जाता था। और उनका एक नेचर है, व्यवहार है कि उन्हें सुबह के समय नाश्ता चाहिए। अगर वो नहाने गए हैं, उन्हें वापस आने से पहले उनका सभी सामान पूरी तरह से उनकी आंखों के सामने चाहिए। उनका कहना होता था कि मैं वॉशरूम से निकलूं तो मेरे सामने मेरी सभी चीजें होनी चाहिए। उनके रोज का कोई टाइम नहीं था। कभी 2 बज गए, कभी 4 बज गए, कभी 5 भी बज गए और मुझे सोने में ही सुबह के 7 भी बज जाया करते थे। उनकी जो सब खाने की फरमाइश हुई मैंने वो भी बनाई। मुझे खाना नहीं आता था तो मैंने यूट्यूब से देखा और सीखा, फिर बना कर दिया। मेरे हिसाब से मैंने अपने सभी फर्ज ईमानदारी से निभाए हैं। अब सामने वाले की नज़र में तब भी कोई कमी है तो क्या कर सकते हैं। अब वो आकर बताए तब तो पता चले। मैं 2 लोगों को हमेशा से मानती हूँ, एक अम्मा यानी कि इनकी माता जी और उनके बड़े भाई, दोनों ने मुझे वहाँ बहुत सपोर्ट दिया है। ज्योति सिंह जो अब तक पवन सिंह को हर मामले में दोषी कह रही थी, अब भी उनका मानना यही है कि उन्होंने अपने हिसाब से वो सब किया है जो एक धर्म पत्नी को करना चाहिए। मगर अब सामने वाले इसे कुछ समझ नहीं रहा तो क्या किया जाए भला। फिलहाल में इस बारे में आपका क्या राय है बताना मत भूलिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।